नमस्कार, वेलकम टू स्टडीज ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2018-19 एसएससी ने जारी किया है नया नोटिस। आज की दोस्तों बड़ी खबर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऊपर आज 5 फरवरी को दो नए नोटिस आए हैं। एक तो है दोस्तों स्टेनोग्राफर भर्ती का और दूसरा है एसएससी जीडी भर्ती का। और दोस्तों यहां ऊपर ऊपर लिखा गया है इंपोर्टेंट नोटिस, एसएससी जीडी कांस्टेबल इन सीएपीएफएस एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। तो दोस्तों ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस में एसएससी ने क्या बताया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि यहां पर आपको एसएससी जीडी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी कर देना। दोस्तों यहां पर हम आपको एसएससी जीडी एग्जाम की ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये नोटिस हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप ये नोटिस डाउनलोड करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने नोटिस खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ऊपर ऊपर लिखा गया है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फिर नीचे है इंपोर्टेंट नोटिस एसएससी जीडी कांस्टेबल इन सीएपीएफएस एनआईए, ये लिखा गया है। फिर दोस्तों नीचे हम पढ़ते हैं कि इसमें आपको क्या बताया गया है। कैंडिडेट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफएस एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 मे बी प्लीज नोट दैट द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर द अबव साइड सेड एग्जामिनेशन हैव बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द, यहां पर दोस्तों बताया गया है सब रीजन ऑफिशियल। यानी कि दोस्तों इसने ऐसा इस नोटिस में ऐसा से नहीं बताया है कि जिन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ये दिखा रहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो वो एग्जाम नहीं दे सकेंगे, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि एसएससी ने कुछ दिनों पहले एक रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। तो दोस्तों उस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, ये बात साफ हो गई है। इसके अलावा दोस्तों यहां बताया गया है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल सही हैं, जिनका फॉर्म बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो वो विद्यार्थी कुछ समय बाद अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ये थोड़ी प्रॉब्लम है और ये जल्द ही सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों काफी सारे विद्यार्थियों के हमारे पास भी कमेंट आ रहे थे लेकिन हम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या कारण था, लेकिन एसएससी ने बता दिया है कि कुछ प्रॉब्लम है और ये सोल्व हो जाएगी और सभी विद्यार्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और उम्मीद है कि 8 फरवरी तक दोस्तों आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि सभी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो ऑल रीजंस की ऑफिशियल वेबसाइट है उनके ऊपर जारी कर दिए गए हैं। अगर दोस्तों आप इन नोटिस देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल के स्पेस का लिंक मिलेगा। यहां पर आते ही आपको सीधा स्टडीज ऑनलाइन सर्च करके ऊपर ऊपर फिर जो studiesonline.com वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है और फिर दोस्तों आपको यहां पर लेटेस्ट न्यूज में एक देखिए ऊपर ऊपर लिंक मिलेगा एसएससीजीडी कांस्टेबल न्यू नोटिस बाय एसएससी, आप इसके ऊपर क्लिक करके इस नोटिस को डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी ये प्रॉब्लम थी एडमिट कार्ड वाली, वो भी अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा ऐसे ही एसएससीजीडी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।